नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। यहाँ पे हमारे साथ माँ देवी जी जुड़ी हुई हैं। जानते हैं उनसे क्या सीखा है उन्होंने डेरा सच्चा सौदा में आने के बाद, क्या उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं, कैसा माहौल है डेरा सच्चा सौदा का। हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? 25 साल से। कैसा माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कैसा माहौल है डेरा सच्चा सौदा का? बढ़िया बढ़िया बेटा, अच्छा। हमारा कहा तो हमें तो रोटी भी नहीं मिलते वहाँ, जब अपनी वहाँ से आए गए यूपी से रोटी थे तब आए, और जब से नाम लिया मालिक को, जब तो बेटा हमारे तो मालिक ने सब काम को खुले। हमारे तो इतना दुखी है, हमारे गुरु जी ना छोड़ रहे भाई। मोहम्मद इतनी बुरी निकलते हैं कि भाई देखो हमारे गुरु कितने बढ़िया है, और जिन जालू करके राखे। क्या सिखाते हैं गुरु जी आपको? गुरु जी बेटा भलाई के काम से काम होते, सब कुछ भलाई। बेटा भलाई करो, बेटा सब होते प्रेम करो, बेटा बुराई से दूर रहे, उससे काम होता है बेटा। जो गुरु जी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सब झूठे, सब झूठे हैं बेटा, गुरु ऐसे हसन आए। और आज कितनी ज़रूरत है समाज को गुरु जी की, हैं कितनी ज़रूरत है समाज को गुरु जी की? बहुत ज़्यादा, इतनी ज़रूरत है कि माल को जाने का हम जाने बेटा, हमारे पेटे की को जान सकता हो, कोई जान सकता है। किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है आज समाज में गुरु जी नहीं है तो? इतने गुरु मिल रहे हैं कि बस पूछ, हम जो कहता है हमारे गुरु जी आ जाए, हम कुछ भी ना चाहिए थे, हमारे गुरु जी आ जाए हमारी दरबार में, सब कुछ आएगा हमारे का। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहिए हमारे गुरु जी ने छोड़ दे, कुछ भी ना चाहिए तो हमें हमारे गुरु चाहिए। जो कसू हम जो कहे ना, जो कहेगा कर तैयार हैं, पर हमारे गुरु चाहिए था और कुछ भी ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने जो है 25 साल से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत सेफ़ है लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए भी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम्स।